सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विचार कितने भी उत्तम क्यों ना हों, जब तक व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उनका विशेष महत्व नहीं होता। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़े नहीं होते। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। आज का पंचांग 3 मई 2022 दिन मंगलवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह 7:33 तक रहेगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 3:18 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:36 से 5:14 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी, सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। आप सभी को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। सिंह राशि 3 मई 2022 दिन मंगलवार, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगी। समस्याओं से घबराने की बजाय समाधान ढूंढना ज्यादा बेहतर है। कुछ समय बागवानी और प्रकृति के नजदीक भी बिताने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ शेयर करने से भी आपकी समस्याओं का हल निकलेगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के बाद भी प्रगति नजर न आने से थोड़ा उदासीन महसूस होगा। आपकी खुद से अपेक्षाएं बढ़ रही है। अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करें और उसी प्रकार से खुद के लिए अपेक्षाएं रखनी होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव की वजह से तनाव बढ़ सकता है। अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खुद की अपेक्षाओं को जानना जरूरी होगा। सिर दर्द तनाव के कारण हो सकता है। सावधानियां, घर की किसी बात को लेकर नकारात्मक वातावरण बन सकता है। बात को समझदारी व सूझबूझ से सुलझाने की कोशिश करें। लापरवाही अथवा तनाव की वजह से आप अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज रख कर भूल सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। उस समय अपने जीवन साथी तथा पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत करने से घर का वातावरण खुशनुमा तथा सुखद रहेगा। सावधान रहे क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है। हालांकि यह बिना किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है, परंतु फिर भी ये आपको चोट पहुंचा सकती है। आज आप देने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में ये आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने घर पर खुशी मिलेगी। आप अभी बहुत ज्यादा व्यस्त रहने से बचें। बात करते हैं करियर की। आज इस बात के जबरदस्त संकेत हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहाँ तक कि आप अपने नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही जोखिम काम लगे पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस चीज में समय लग सकता है पर धन की दृष्टि से ये काफी उत्साहजनक है। बिजनेस में ज्यादा उधार की उम्मीद नहीं है। स्थिति पहले की तरह ही रहेगी, इसलिए इस समय अपने निजी काम पूरे करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पड़ने की जगह सब पहलुओं के बारे में संदेहशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा।
आपके लिए किस्मत का समय है। आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का है। अगर आप रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। अपने सेहत का ख्याल भी रखें। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।